चौपाल कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं आज सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा में। और देवसर इस समय हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर, चाय की दुकान पर मौजूद हैं क्योंकि सियासत इन दिनों गर्म है और चाय भी सियासत की तरह ही गर्म है। तो चाय पीते हुए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी, यानी बीजेपी पुनः वापसी आएगी या फिर कांग्रेस के सर पर ताज होगा। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है? पुनीत सोनी। आप पुनीत सोनी भाई क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट है अपना। रेस्टोरेंट है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? ऐसा बीजेपी ने क्या जादू कर दिया आपने? अब यहाँ कुछ कार्य किए हैं जिससे आएगी बीजेपी आएगी। विधायक जी भी ठीक ही। अच्छा, विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? हैं, संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। तो और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और क्या नाम है आप? अंबिकेश प्रताप सिंह। और अंबिकेश भाई क्या करते हैं आप? हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार माहौल चेहरा अपने अगर कांग्रेस में सही रहा तो कांग्रेस यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभाओं से। सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभाओं से कांग्रेस निकलेगी। प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? प्रदेश में भी कांग्रेस ही निकलेगी, बीजेपी इस बार गिनती में 30 से 40-50 इससे में समेट जाना है, जीतेगी कांग्रेस। पिछले बार भी अच्छा जीतेगी कांग्रेस ही। कुछ आपके क्षेत्र की तस्वीर कितनी बदली है इस विधायक के कार्यकाल के दौरान? कुछ नहीं बदला, 5 साल बीत गया, ओवर ब्रिज का काम शुरू होते रह गया, अगले 5 वर्ष जब बीत जाएगी उसके बाद काम कंप्लीट हो पाएगा। ओवर ब्रिज का रेलवे, उसमें भी कोई प्रोसेस अभी समझ में नहीं आ रही। तो ये हमारे साथ में व्यवसायी थे जो बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है, यानी परिवर्तन की लहर ये देखते हैं। और भी लोग हैं, इसे युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? राजीव तिवारी। राजीव भाई क्या करते हैं आप? मैं पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकारिता करते हैं, यानी फिर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर क्षेत्र में आप जाते होंगे, कैसा माहौल देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल? अपने यहाँ देवसर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे भाजपा ने काम किया है, पूर्व विधायक ने जो भी यहाँ पे वादे किए थे उसमें से कुछ कार्य पूरे हो गए हैं। अब 100% काम नहीं हो सकता लेकिन कुछ काम पूरे हो गए हैं। क्या काम पूरे हुए हैं? जैसे बरगवा को नगर परिषद बनाना था, सरई को नगर परिषद बनाना था और बरगवा को पूर्ण तहसील बनाना था। ओवर ब्रिज का यहाँ पे लंबे समय से एक मांग चल रही थी ओवर ब्रिज बनाने की, उसका भी काम लगभग शुरू हो गया है। तुरंत तो काम नहीं हो सकता लेकिन 2-4 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी देवसर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है, क्या लग रहा है इस बार? मेरा नाम देवाशीष गुप्ता है। देवाशीष भाई पहले तो बताएं क्या करते हैं और कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के 10 नंबर 9 नंबर वार्ड के निवासी हैं, बरगवा नगर परिसर के। हमारा नगर परिसर जब नहीं बना था उससे बढ़िया विकास होता था पंचायती में, कम गोरबी रोड में नाली वाली साफ सफाई हो जाती थी। आज के डेट में नगर परिसर बनने के बाद भी गोरबी रोड में बोले तो नाली नहीं है, घर में पानी खुलेआम। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है स्वास्थ्य की समस्या होती है लोगों को। क्या कोई बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ? मेरे पिताजी कैंसर के पेशेंट हैं, उनको हर 15 दिन में 5 दिन हमको भोपाल लेके रहना पड़ता। एक भी हॉस्पिटल यहाँ अच्छा नहीं है, आपको थोड़ी सी भी बुखार आ जाएगी आपको तुरंत रिफर कर दिया जाएगा, कहाँ बैढ़न, चले जाइए बैढ़न। अब हम लोग इतने परेशान आदमी हैं कि यहाँ तो न शिक्षा विभाग में काम हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, न तो सड़क में काम हुआ है। किसी कोई नेता यहाँ देखने तक नहीं आया आज तक कि एक बार इसको देख लें क्या समस्या है यहाँ की। इस बार का क्या माहौल लग रहा है, प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है और अपने आपके क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है? अगर कांग्रेस में नया चेहरा, युवा चेहरा अगर आता है तो 101% कांग्रेस जीत सकती है यहाँ से। अच्छा, ये बताइए आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पार्टी वगैरह दल का समर्थन करते? आज तक मैंने समर्थन किया है तो भारतीय जनता पार्टी का, सुभाष वर्मा का मैंने पर्चा लेके बल्कि प्रचार किया है। हमने सोचा कि ये काम करेंगे क्षेत्र में जमीनी हकीकत में, लेकिन उन्होंने जमीनी हकीकत में काम करने की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने झांका तक नहीं है, एक बार आके देख तो लें। क्या माहौल लग रहा है इस बार, चूंकि आपके दुकान में कई लोग जाते भी होंगे, बातें भी होती होंगी चुनाव की, चूंकि चुनाव नजदीक है तो क्या माहौल लग रहा है, क्या लोग कहते हैं और क्या आपकी बातें? सर बिल्कुल होती है हमारे यहाँ, आप ये जान लीजिए, अब तो हम भले से छोटे से गाँव में बैठे हैं लेकिन बातें बहुत दूर तक की होती है। अगर एक छोटी सी बीमारी अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई
तो अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, न सरकारी न किसी प्रकार के हॉस्पिटल। आपको या तो बनारस आपको जाना पड़ेगा या तो नागपुर आप जाएंगे, बाकी कहीं भी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 20 साल से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी, हम जबकि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा हूँ, बराबर आज तक बराबर मैं रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखा यहाँ ओवर ब्रिज जो है तो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो देखिए समर्थक होने के बावजूद फिर आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं कि सर हम हमारा जो है तो हमारा काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आखिर हमको सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई यहाँ की तस्वीर बदली, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल बदली, ये सत्य बात है, बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, बिल्कुल बदली, ये सही बात है, लेकिन क्या इतनी भर समस्या थी? हमारी समस्या तो और भी थी ना, क्या सिर्फ एक समस्या 20 साल में आप सॉल्व कर सके? 20 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपने सिर्फ इतनी एक सिर्फ बिजली समस्या पर आपने सॉल्व किया। सीधी सिंगरौली लाइन आज 2011-12 से ये वादा चल रहा है, बताइए आज तक जो लाइन नहीं बन पाई है, रेलवे वाली लाइन। अब ये बरगमा से बेढ़न यदि आपको जाना हो तो हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है, बताइए। और क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। संजीव जी क्या करते हैं? और मैं वार्ड 15 का पार्षद हूँ। अच्छा, वार्ड 15 के पार्षद हैं, यानी कुल मिलाकर एक जिम्मेदारी आपकी है कि कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र का यानी अपने वार्ड का विकास। निर्दलीय पार्षद हूँ, यानी बड़ी जिम्मेदारी है फिर तो सारे चीजों से जूझना, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सत्ता है, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नगर परिषद हैं, कैसे जूझते होंगे पहले निर्दलीय पार्षद और फंड रोड के लिए भी समस्या होंगी? आप कैसे जूझते हैं, आप क्या बताएं कैसे जूझते हैं? मैं पब्लिक काम करवा रहे हैं, मगर विधायक जी से आज हम 4 महीने से 2 हैंडपंप मांगे, उन्होंने भी जब भी फोन लगाया उन्होंने बोला आज मशीन भेज देंगे कल भेज देंगे, आज तक एक जमीनी स्तर में काम नहीं किया। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि आप जो कि एक गांव के एक वार्ड के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो लोगों लोग आते होंगे, अब चुनाव की भी चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या माहौल लग रहा है और इस बार कैसा देखते हैं? 101% परिवर्तन, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दोहरा बात नहीं है, टोटल सत्ता परिवर्तन। ये देखिए हमारे साथ में वार्ड पार्षद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। आप विद्यापति जी क्या करते हैं? हम खेती किसानी करते हैं घर में। अच्छा, खेती किसानी करते हैं, क्या खेती कर रहे हैं इस समय? कौन सी धान का फसल कर रहे हैं? साफ तो पानी नहीं गिर रहा है, यानी आप लोग परेशान है फिर? हाँ, पानी कम में परेशान है, खेती सब धान मर रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए वो मिल पा रही है आप लोग? हाँ, पा रहे हैं साहब। क्या पा रहे हैं, कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं आप? वो पैसा वो पा रहे हैं किसान वाला, किसान वाला पैसा पा रहे हैं। अभी फसलें जो नुकसान होंगी उसका तो अभी साहब तो कुछ देखेंगे, पटवारी साहब ये लिखेंगे तब ना साहब, जो मिलेगा तो होगा। अच्छा, तो इस देखिए यहाँ पर जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? साहब संतुष्ट हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर उनका देखा जाएगा कि हमारे यही कार्यकाल रहे कि साहब वो जीतेंगे। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार ठीक ठाक माहौल है? हाँ, बढ़िया माहौल है इस बार। और यहाँ पे फिर बीजेपी वापसी आएगी? नहीं, बीजेपी तो नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है? प्रदेश में भी अच्छा रहे। शिवराज मामा आएंगे वापस? नहीं, मामा तो नहीं आ पाएंगे, मामा नहीं आ पाएंगे इस बार। क्या माहौल लग रहा है इस बार प्रदेश और आपके क्षेत्र में? प्रदेश में तो सर कांग्रेस आएगी और अपने क्षेत्र में भी कांग्रेस ही आएगी। क्यों आएगी, उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, बीजेपी ने ऐसा क्या काम नहीं किया? भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा मात्रा में व्याप्त है इस इलाके क्या पूरे प्रदेश में एक जैसा हाल है, यहाँ तक कि पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, माने घोटालों की तो झड़ी लगी हुई है, ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। और धरातल पे यहाँ पे प्रदूषण देखा जाए, अपने ज़िले की बात की जाए तो सिंगरौली ज़िले में प्रदूषण इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है कि ये टॉप एशिया में टॉप है। तो इस हिसाब से इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और कमीशन खोरी तो हर जगह, भ्रष्टाचार तो पूरे राजस्व अमले में हर एक जगह व्याप्त है यहाँ पे, और सरकार पहले से ही भ्रष्टाचारी है। और बहुत दिनों से सरकार हो गया कि आज कम से कम 18 साल हो गए हैं सरकार को, इस कारण से बदलाव भी जरूरी है। ये थी सिंगरौली की आम जनता जो हमारे साथ अपनी बात को साझा की है।